पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण द्वारा पूर्वांचल संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन फीता खोलकर किया गया। इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, प्रोफेसर चित्ररंजन मिश्रा, डॉक्टर एस के बैजल, डॉक्टर हर्ष सिन्हा सहित कई विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति ने प्राचय पुरावशेषों एवं पूर्वांचल की सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित प्रथम प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद उसका अवलोकन किया, जिसके पश्चात यहां लगे फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया गया। इस मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस प्रदर्शनी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपको बताते चले कि आंचलिक संस्कृति एवं विरासत को स्मृतियों में अचुंभन रखने के लिए विश्वविद्यालय में पूर्वांचल संग्रहालय की परिकल्पना की गई थी। सांसद स्वर्गीय मोहन सिंह ने अपने सांसद निधि से संग्रहालय को मूर्त रूप देने में विशेष योगदान किया था। दो वर्ष पूर्व 14 मई 2016 को संग्रहालय भवन का लोकार्पण तीन महिला सांसदों जया बच्चन, डिंपल यादव और कनक लता सिंह द्वारा किया गया था, जिसके पश्चात संग्रहालय को सज्जित करने तथा सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए खोलने की कवायद प्रारंभ हुई थी। विभिन्न औपचारिकताओं के बाद इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंचल की संस्कृति एवं विरासत की सुप्रसिद्ध संकलनकर्ता स्वर्गीय पी के लाहड़ी द्वारा प्रदत्त पूरा प्रतिमाओं के दुर्लभ संग्रहण के अतिरिक्त इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हेरिटेज फोटोग्राफर संदीप कुमार श्रीवास्तव की पूर्वांचल केंद्रित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसके आधार पर हम लोग ये कह पाते हैं कि वो कृषि प्रधान सभ्यता रही। ये पूरा प्रतीक, ये प्राच्य प्रतीक दरअसल हमको एक नई यात्रा की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमको सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध होने का गर्व और गौरव प्रदान करती है। पूर्वांचल संग्रहालय की भी जब परिकल्पना 2013 में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी के कार्यकाल में की गई, तो उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि ये जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध या लोक जीवन के लिहाज से बहुत समृद्ध इलाका है, यहाँ के पूरा प्रतीकों को संकलित किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, इस अकादमिक परिसर में आते और जाते हैं, और विश्वविद्यालय जो इस महानगर का ज्ञान का एक बड़ा केंद्र है, वो यहाँ पर आएंगे और इन सब चीज़ों से लाभान्वित होंगे, इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे। इस अवसर पर याद करना जरूरी है, हम लोगों के इलाके के एक बड़े राजनेता, प्रखर राजनेता और तत्कालीन सांसद अब स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी का, जिन्होंने अपने सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की सहायता दी थी और इस सहायता से ये संग्रहालय आकार ले सका। 14 मई 2016 को इस भवन का लोकार्पण हुआ था और वो भी अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से हुआ था। तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार के कार्यकाल में तीन महिला सांसदों ने, श्रीमती जया बच्चन ने, श्रीमती डिंपल यादव ने और श्रीमती कनक लता सिंह जो सुपुत्री हैं स्वर्गीय मोहन सिंह जी की, उन्होंने इस भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद आज ये संग्रहालय दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए प्रस्तुत है। बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि ये 2 वर्ष का समय इसमें लगा, लेकिन संग्रहालय बनाने में वक्त लगते हैं। 1 लाख लोगों की आबादी में ईंट गारा और मिट्टी वर्तमान के कोई साज सज्जा वाले सामान आपको उपलब्ध कराने वाले लोगों की संख्या 1,000 और 10,000 भी हो सकती है, लेकिन 1 लाख लोगों की आबादी में आपके लिए पूरा प्रतीक उपलब्ध कराने वालों की संख्या 10 से ज़्यादा है।
संवाद और संवाद एक समय में ही नहीं करते, वो संवाद बदलता है। इस तरह से संग्रहालय जो वो उसमें रखी वस्तुओं की एक अनंत एक बड़ी व्याख्याओं की बड़ी ज्ञानवर्धक श्रृंखला और संग्रहालय का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये यूरोप के ज्ञानोदय के काल से शुरू हुई। जब पुरानी वस्तुओं के प्रति यूरोप में शौक जगा था और इस तरह के कई क्लब बने, कई सोसाइटीज बने, जैसे सोसाइटीज ऑफ एंशियंट एंटीक्विटीज ऑफ लंदन 1707 में बना। इस तरह से तब से ले, क्योंकि जो ज्ञानोदय का काल वो उसके ज्ञान के तीन आधार, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और संग्रहालय। विश्वविद्यालय उपलब्ध ज्ञान के विवेचन विश्लेषण और ज्ञान के नए मार्ग के सृजन से संबंधित है, वही पुस्तकालय ज्ञान के स्रोत हैं और संग्रहालय ज्ञान के मूर्त स्वरूप हैं, यानी मूर्त स्रोत को वो प्रस्तुत करते हैं। और कई बार ये व्याख्याओं को संग्रहालय में रखी वस्तुओं के व्याख्याओं में शामिल कर लें तो उसमें मूल और अमूल ज्ञान के दोनों ही स्रोत उपलब्ध। Thank you.
संग्रहालय तो निर्मित था पहले से ही, बिल्डिंग पहले से निर्मित थी और ये था कि एक छोटी सी शुरुआत की गई है और ये तो धीरे धीरे समय के साथ साथ समृद्ध होगी और जब हमारा दो तीन साल के बाद हमें और जो हमें औजार मिलेंगे वास्तुकला से भी सकते हैं और पेंटिंग्स मिल सकती है, जैसे जैसे लोगों के द्वारा योगदान मिलेगा इसको हम और एनरिच करेंगे, कोशिश करेंगे भविष्य में फिल्म के माध्यम से भी छोटी छोटी योजनाएँ आयोजित कर सकें, छोटे छोटे बच्चों को आगे बारे में बताया जा सके, इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, पुरातत्व के बारे में नई पीढ़ी की जानकारी हो सके और अतीत के बारे में जानकारी होगी तो जब उन्हें गर्व होगा कि हमारा समारोह है तो उनके मन में भविष्य अच्छे भविष्य